मुरादाबाद, बारिश में मकान की दीवार गिरने से दो बच्चों की दबकर हुई मौत, परिवार में गम का माहौल। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सरकड़ा खास गांव में आज उस समय परिवार व गांव वासियों में होकर मच गया जब देर रात से लगातार हो रही तेज रिमझिम बारिश के चलते सुबह 7 बजे बुद्धा शाह की पत्नी अपने 5 मासूम बच्चों के साथ घर के आंगन में बाहर बारिश में खुले आसमान के नीचे चाय बना रही थी। अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई, जिसमें उनके 5 बच्चे माँ सहित दीवार के नीचे दब गए और चिखो पुकार सुनकर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और दबे मासूम बच्चों को बाहर निकाल तो बुद्धा शाह की 4 वर्षीय विद्या नूर बेटी व 7 वर्षीय देवते फैज की दीवार के नीचे दबकर कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद मृतक दोनों मासूम बच्चों के परिवार में रो रो कर सभी का बुरा हाल और शोक की लहर है। हंसी की हादसे की सूचना गाँव वासियों ने क्षेत्रीय पुलिस और उच्च अधिकारियों को दी तो मौके पर क्षेत्रीय पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और घटना का मौका मुआयना कर मृतक मासूम बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है और मृतक मासूम बच्चों के परिजनों को मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सहायक सहायता के रूप में हर संभव मदद देने की बात कही। पूरा मामला आपको बताते चले, बुद्धा शाह पिछले 30 सालों से कच्चे मकान में पिन्नी डालकर मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करता चला आ रहा है और बुद्धा शाह पीड़ित को किसी भी सरकार की योजना का पिछले 30 सालों में कोई भी लाभ नहीं मिला है। पीड़ित ने कई बार ग्राम प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित को कोई भी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला और वह ऐसे ही हालातों में अपना जीवन गुजर करता चला रहा है, जिसके चलते देर रात से हो रही तेज रुक रुक कर रिमझिम बारिश के चलते बुद्धा शाह की पत्नी सुबह अपने घर के आंगन में मिट्टी से बनी कच्ची ऊंची दीवार के पास बैठकर अपने 5 मासूम बच्चों के साथ चाय बना रही थी। तभी कच्ची दीवार भर भर कर 5 बच्चों के ऊपर माँ सहित गिर गई, जिसमें पूरा परिवार दीवार के नीचे दब गया। दीवार के नीचे दबे मासूम बच्चों की चीखो पुकार सुनकर गाँव वासी मौके पर पहुंचे और दीवार के नीचे दबे मासूम बच्चों को निकाला तो बुद्धा शाह की 4 वर्षीय मासूम बच्ची की वधेवते की दबकर मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है और मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने बुद्धा शाह को सरकार की योजनाओं का हर संभव सहायक सहायता के रूप में मदद देने की बात कही है। कहाँ की निवासी हैं? सरकड़े की। क्या हादसा हुआ है आज? दीवार से बच्चे मरी। कौन, कितनी उम्र है बच्ची की? 1.5 साल। पिताजी का क्या नाम है इनके? बुद्धा शाह। अच्छा, एक बच्चा और कौन था वो जिसकी मौत हुई? आप कहीं? कैसे हालातों में, क्या स्थिति है मकान की आपके? गरीबी के हालातों में। कच्चे दीवार थी क्या थी? कच्ची दीवार। कितने सालों से रह रहे हो इसमें तुम? बहुत साल हो गए, टाइम तो बहुत काफी होगी। कोई आवाज की मदद की गुहार नहीं लगाई किसी? अच्छा, क्या मांग करना चाहोगी तुम? मांग क्या करना चाहोगी? हाँ? मांग क्या करना चाहोगी? कुछ भी करवा सकते हो। मकान बनना चाहिए। अच्छा, जो जिस टाइम घटना हुई थी क्या समय था? चाय पीने जा रहे थे सुबह। कौन कौन कोई अधिकारी आया यहाँ पे आश्वासन दे? क्या कहना अधिकारी होगा? घर बन जाए। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? बुद्धा। कहाँ के निवासी हैं? सड़कड़े के। ये जो हादसा हुआ है, बच्चों की मौत हुई है दो, हाँ, कैसे हुई है? ये सर दीवार खड़ी हमारे घर में सुबह चाय बना रहे वाला तो तीनों का चोट लगी, दो बच्चे जान से खत्म हो गए मर गए। उसके घर वाले के हमारी चोट लगी मरी है, तमाम चोट है, गुम है। दोनों बच्चे कहाँ कहाँ के हैं? एक खैर घाटे का हमारा बहन जहाँ देवता। एक आपका? एक आपकी लड़की है अपनी। मकान कैसा है आपका? पिन्नियों में रह रहे, चारों तरफ से दीवार है और आदमी होगी, हमारे में तो पिन्नी पड़ी है। कच्ची दीवार है। कच्चा मकान था? हाँ, ये है कच्चा दीवार। बारिश के कारण गिरी है? कैसे गिरी है? बारिश से गिरी है। अच्छा, रात से जो बारिश हो रही थी। कौन कौन अधिकारी आए यहाँ पे? थानों के आए, पुलिस वाले। कोई मांग करना चाहोगे तुम सरकार से, प्रशासन से? अरे गई है हमारी मड़ैया को देख के, हमारी कुछ मदद कर दे।
परेशानी दूर हो जाए। कितने साल से इन हालात में रह रहे हैं? 30 साल हो गए रहता हुआ। कोई प्रधान कोई किसी तरीके कोई नहीं थी प्रधान तो सब रहे, अब भी है प्रधान ही, मगर हमें किसी ने कोई इनाम ना दिया, लैट्रिन तरक्की ना है हम पर। 30 सालों से इसी में रह रहे हैं? हाँ, इसमें रह रहे हैं। अब कोई अधिकारी कुछ आश्वासन दे रहे हैं? यहाँ पे उच्च अधिकारी जिले से आए हैं कोई? आए तो हाँ ठीक।